आती से ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं। ए आती कहने लगे चलो पहले अपने बाप के यहाँ चलो तुम। तो लड़की आगे आगे जा रही है, महाराज आती पीछे पीछे घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। महाराज आती को दूर से शुक्राचार्य ब्राह्मण ने आते हुए देखा तो शुक्राचार्य ब्राह्मण एक बात सोचने लगे, पता नहीं मेरी लड़की के साथ में ये नौजवान कौन आ रहा है घोड़े पर सवार होकर के। तो देवयानी बेचारी रो रही है खड़ी खड़ी। शुक्राचार्य बोले लड़की क्या रो रही है, बाबू जी रो क्यों रही है तू बताए। रोने का कारण क्या है तेरा, क्यों आंखों से आंसू बह रही है, और ये नौजवान तेरे साथ आया है घोड़े पर सवार हो के ये कौन है। तो देवयानी कहने लगी है पिताजी ये नौजवान नहीं है हमारे पति हैं। बोले क्या, हाँ पति कैसे बन गए तेरे, हमने कोई शादी का रिश्ता कहीं तय नहीं किया, हमने शादी का कोई निर्णय नहीं लिया, तूने खुद ही अपने ही खुद ही तूने पति बना लिया इनको। लड़की बोली पिताजी पति बनाने का कारण कोई दूसरा और है। तो अपनी बात को बताती हुई देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य से कहने लगी पिताजी मेरी बात सुनो, मैंने इनको पति क्यों बना लिया। बोले क्यों बना लिया,